जम्मू यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स, एक एमबीए डिपार्टमेंट के और एक फिजिक्स डिपार्टमेंट के, कल कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। साथ ही में एमसीए डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई भी जम्मू यूनिवर्सिटी का कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया। जो रैड टेस्ट ड्राइव जम्मू डिस्ट्रिक्ट में करवाई जा रही है और जोर दिया जा रहा है टेस्टिंग के ऊपर, उस टेस्टिंग का ही नतीजा है कि लगातार पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। कल के दिन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रैंक के केएस ऑफिसर भी जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक आप जानते ही हैं, जहां पहले भी लगभग 25 केसेस कोविड-19 के आ चुके थे, कल के दिन में भी जम्मू कश्मीर बैंक की शालामार ब्रांच में 7 लोग कोविड पॉजिटिव आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो आप जानते हैं कि स्किम्स सौरा में एडमिट हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, उनकी भी हालत जो है वो हालत में सुधार आया है, ऐसा स्किम्स में ऑफिशियल्स का कहना है। उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। उन्हें अप्रैल 3 को स्किम्स सौरा में एडमिट किया गया था, 4 दिन बाद उनके पॉजिटिव आने के। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आपको बता दूं कि उन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट डोज वैक्सीन का ले लिया था। एक सीनियर डॉक्टर जो स्किम्स के हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फ़िलहाल स्टेबल हैं, लेकिन उनके डिस्चार्ज को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्हें जिस दिन हॉस्पिटल लाया गया था, उस दिन पहले दिन से ही उनके हालत में सुधार आना शुरू हो गया था, लेकिन आज के लिए भी कहा है कि उनकी हालत में काफ़ी सुधार आया है। इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आप जानते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जिस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को स्किम्स सौरा में एडमिट किया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उनका हाल पूछने के लिए स्किम्स पहुंचे थे। उनकी मुलाकात वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हुई थी, जिन्हें उन्होंने ऑफर किया था कि अगर वो चाहें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने डिक्लाइन किया था और ये कहा था कि स्किम्स में ही उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाएगा। तो फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कंडीशन को भी स्टेबल बताया जा रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कल LIC के ऑफिस में भी 5 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए, और उसके अलावा कल 6 केसेस जो हैं मीरा साहब से भी कोविड-19 के सामने आए हैं। एक कपल जो रॉयल अपार्टमेंट्स हजूरी बाग में रहता था तालाब तिल्लो में, वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। और साथ ही में 23 ट्रैवलर्स रियासी में कटरा रेलवे स्टेशन पर कोविड पॉजिटिव आए, उन्हें रेलवे स्टेशन से ही वापस भेज दिया गया। उसके अलावा 5 डेंटल स्टूडेंट्स और 6 पेशेंट्स जो हैं वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू से भी कोविड पॉजिटिव आए। उसके बाद जो है क्लासवर्क को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे एरिया को जो है डिसइंफेक्ट किया गया। वापस से इमरजेंसी एंड OPD सर्विसेज तो शुरू कर दी गई है, लेकिन क्लासेस को लेकर अभी फैसला लेना बाकी है कि क्लासेस कब से दोबारा से शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही में 4 डॉक्टर्स और कुछ पेशेंट्स जो हैं एक दिन पहले भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए थे IGGDC में, लेकिन उन डॉक्टर्स को जब RAT की जगह RT-PCR टेस्ट करने के लिए भेजा गया तो फिर उनमें से 3 डॉक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव निकल आए। साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं कि कल के दिन में 162 पॉजिटिव केसेस पूरे जम्मू रीजन में देखने को मिले, जिनमें से 97 यानी कि हाईएस्ट जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कोविड पॉजिटिव आए थे। उसके अलावा कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में एक फैसला असिस्टेंट डायरेक्टर FCSCA ने लिया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने बांडीपुरा ने यह फैसला लिया कि जब तक वो लोग जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, जब तक वो खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाते और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाते, तब तक उनको राशन नहीं मिलेगा। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोग मोटिवेट हों वैक्सीन लगवाने के लिए। कह दिया गया कि जब तक आप अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, आपको राशन इशू नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कल 2 मौतें जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में कोविड-19 के कारण हुई, जिनमें से एक मौत एक टूरिस्ट की हुई थी, जो टूरिस्ट गुजरात से आया था। 2 अप्रैल को उस टूरिस्ट को चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर में एडमिट किया गया था, और मामला ये है कि जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर इस टूरिस्ट का टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन एक दिन बाद जब उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया और ब्रेथलेसनेस उन्हें हो रही थी, उनका कोविड का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया और फिर कोविड-19 के कारण ही उनकी मौत हो गई। साथ ही में इससे पहले भी पुणे से एक टूरिस्ट आए थे जिनका टेस्ट पहले नेगेटिव आया था, उसके बाद उनका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया और उनकी मौत भी कोविड-19 के कारण हुई। अभी भी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल और साथ ही में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में श्रीनगर कश्मीर में और कई सारे टूरिस्ट हैं जिन्हें एडमिट किया गया है।
आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर से भी कल जो है कई सारे कोविड पॉजिटिव के केसेस आए, जिसमें से 141 केसेस जो हैं वो श्रीनगर से कोविड 19 के आए थे। श्रीनगर वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ कोविड केसेस भी हैं और जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ कोविड डेथ्स भी अभी तक देखने को मिल रही है कोविड 19 के कारण। आपको कल जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने ये ऑर्डर दे दिया कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी लीव को कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके की लीव को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। केवल जो लोग जो है मैटर्निटी लीव पर हैं या कोई इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस है जिसकी वजह से उन्हें लीव लेना ज़रूरी है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कि वो लीव पर रहें, बाकी सभी की लीव्स को जो है कैंसिल कर दिया गया है। लद्दाख की भी बात कर लें, क्योंकि लद्दाख में भी कल के दिन में 48 नए कोविड 19 के केसेज आए और सभी के सभी कोविड केसेज जो हैं वो लेह डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव आए। जो यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख की टैली है उसमें एक्टिव पॉजिटिव केसेज में 363 टोटल एक्टिव पॉजिटिव केसेस लद्दाख में है, जिनमें से 332 लेह में कोविड पॉजिटिव हैं और 31 केसेस जो हैं वो करगिल में कोविड 19 के पॉजिटिव हैं। जम्मू कश्मीर का भी मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि जम्मू कश्मीर में भी 4000 क्रॉस कर चुके हैं एक्टिव कोविड 19 के केसेस और लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फोकस ये है कि वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दिया जाए। डिफकॉम जम्मू ने भी जो मीटिंग कंडक्ट की थी अलग अलग डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और साथ ही में हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, उस मीटिंग में भी यही कहा था कि वैक्सीनेशन के ऊपर जोर देने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर्स हैं, पंचायती राज के जो मेंबर्स हैं, उन्हें जो है बुलाया जाए और साथ ही में लोकल सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाए, ताकि जब उन्हें वैक्सीनेट होते लोग देखेंगे तो और ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे वैक्सीनेट करवाने के लिए। तो फिलहाल कोविड अपडेट में इतना ही कि दो जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, एक केएएस ऑफिसर, 11 लोग डेंटल कॉलेज जम्मू में और कई सारे ऑफिसर्स में और कई सारे लोग जो हैं कल के दिन में कोविड पॉजिटिव आए हैं।